नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो बार बार हम कह रहे हैं और बहुत लोग हैं जो मुंह उठा करके कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट करने से पहले सोचो, ठीक है? स्वतंत्र देश के नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दो, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों की है, ये आ गया, वो आ गया, ये करने आ गया। अरे भाई, पढ़ना भी है ना। अभी हमने रात का शेड्यूल किया कि 9:30 बजे कुछ पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है कि पढ़ाना चालू कर दिए, वैकेंसी बढ़ाओ वैकेंसी। हम मोदी जी नहीं है भाई, जब इतना आया तो घर वाले से पूछ लेते ना कि 2014 से लेकर के 2019 तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो फिर 2019 में मोदी जी को क्यों वोट दे दिए? घर वाले से पूछ लो ना, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछ लो। तो उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मुंह उठा करके कहीं पे भी उल्टा सीधा कमेंट ना करें। कमेंट करने से पहले देखें कि हाँ, सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। लड़ना है, ठीक है, लड़ाई जारी है। सब कोई हम रात दिन कर रहे हैं, आप भी जाकर के ट्विटर पे हैंडल पे देख सकते हैं मेरा, कि हम रात दिन हम भी ट्वीट कर रहे हैं। जब बैठते हैं तो एक ट्वीट कर देते हैं। आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी ट्वीट करते रहिए। रोड पे आ जाओगे, ट्रेन को जला दोगे, उससे नुकसान किसका होगा? और तुम जलाने नहीं जाओगे, तुम जैसे ही रोड पे आओगे, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग रोड पे उतरो, उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। तो अगर ट्रेन जलाते हो तो ट्रेन का भी भरपाई तुम्ही से करवाया जाता है, तुमको भी पता है, तुम्हारे ही टैक्सेस से होता है उसका भरपाई। और साथ में जितने लोग अच्छे बच्चे हैं वो पकड़ा जाते हैं अगर गलती से, तो उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए इतना जल्दी कोई भी उग्र नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज शांति से डिसीजन लिया जाएगा, हर एक चीज शांति से होता है और हर एक चीज शांति से ही होगा, ठीक है? उग्र होने से कुछ ए नहीं हो सकता है, कि उग्र हो जाएंगे बेचैनी में, चलो निकल गए, तो अकेले निकल के भी कुछ नहीं कर लेंगे हम, ना ही आप कर सकते हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसमें RRB ALP के सिलेबस में एक चेंज आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि भाई लड़ाई लड़ना है, लेकिन साथ में पढ़ाई करते रहना है। तो क्या चेंज आया है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको दो बातें बताएंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। हम उससे पहले दो बातों में क्या बताएंगे आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बात यह है पहला, कि रात को आज 9:30 बजे आपका EGVSRO यूट्यूब चैनल पे 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे रात में आज हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है ना, 9:30 बजे EGVSRO यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दी जा रही हैं, ठीक है? तो इस चैनल पे हम रात को आज लाइव आ रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि 2014 और 2018 में प्रतिशत के कैसे सवाल आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि पहले बेसिक से टॉपिक वाइज रिविजन हो। तो हम सोचे कि क्यों ना तो 2014 और 2018 में जो ALP के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करवा दिया जाए, और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ करवाया जाए, तो उनका लेवल आपको देख के पता चलेगा कि किस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। क्या 2018 के बाद 2024 में एग्जाम होगा तो लेवल सेम रहेगा या नहीं रहेगा? 2018 के बाद 2023 तक जो एग्जाम्स और भी हुए हैं, जैसे 2021 में NTPC का हुआ, तो क्या उसमें लेवल चेंज हुआ है? बाकी SSC हर साल एग्जाम ले रही है, तो क्या नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है? तो उन सारों चीजों को हम लोग बात करेंगे रात को 9:30 बजे EGVSRO चैनल पे। लाइव करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ज्यादा देर तक वीडियो को छोड़ेगी नहीं, इसलिए लाइव सेशन अटेंड करने का कोशिश कीजिएगा रात को 9:30 बजे EGVSRO चैनल पे। बात समझ में आ गई? उसके बाद बहुत सारे लोगों का इधर उधर कॉमेंट रहता है, EGV एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। हम बार बार कह रहे हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं कि भाई EGV ग्लोबल आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लो, दोनों नंबर पे। अगर कॉल नहीं उठ रहा है तो तब तक करो जब तक कॉल उठ ना जाए, जैसे उसके पास करते हो। बात समझ में आ रही है कि जब तक उठा ना ले तब तक करते रहेंगे, तो वैसे ही जब तक करो जब तक उठा ना लिया जाए। EGV सर्च करोगे तो EGV ग्लोबल दो एप्लीकेशन आएंगे, जिसमें से EGV ग्लोबल आपको डाउनलोड करना है। वहां से सारी कोर्सेस आपको दिख जाएंगी, जितने जो भी कोर्सेस के बारे में आपको विजिट करना है, जिस कोर्सेस के बारे में आपको जानना है, जैसे फिटर का मास्टर कोर्स हो गया, या फिर आपका फिटर रेलवे इलेक्ट्रीशियन हो गया, रेलवे फिटर हो गया, या फिर मैथ का मास्टर कोर्स हो गया। तो अगर आप रेलवे इलेक्ट्रीशियन हो गया या आपका फिटर ट्रेड है तो रेलवे फिटर, इन सब जो कोर्स है बहुत ही, इसका कीमत बहुत ही कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें खासियत यह है आपको कि एक कोर्स से आपका हर एक एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। अगर आप PSU का एग्जाम दे रहे हो उसका भी हो जाएगा, रेलवे का एग्जाम दोगे उसका भी हो जाएगा, बिहार SSC अभी आई हुई थी, अगर उसका भी देने वाले हो तो वो भी हो जाएगा। तो
मतलब जितने भी एग्जाम्स आगे ग्रुप डी आएगी तो उसका भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर मैथ को लेकर के अगर परेशान हो लाइफ में, तो एक बार मेरा बात मान के इसको ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा कि मैथ आखिर होता क्या है, मैथ को सीखा कैसे जाता है। हम बार बार कहते हैं कि मैथ को पढ़ा नहीं, मैथ को सीखा जाता है। तो इस मास्टर कोर्स का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें पहले तो आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, बाकी लाइव फॉर्म में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि एक एक टॉपिक से आपको 400-500 500 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड ऑन स्क्रीन आपका प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर एक टॉपिक से 300 400 500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो क्या लगता है एग्जाम में क्वेश्चंस छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। तो इसलिए एक जगह पढ़ो, एक बार पढ़ो और बेहतर ढंग से पढ़ो ताकि सिलेक्शन हो, ठीक है? नहीं तो दिन काटते रह जाओगे इधर से उधर और पता चलेगा कि कहीं नहीं हुआ। तो लोगों के चक्कर में ना रहो, लोगों के बातों पे कम ध्यान दे करके अपना पढ़ाई पे फोकस करो। हम बार बार यही कह रहे हैं कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जारी है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दो चीजें आपको याद रहेंगी। एक तो 9:30 बजे EGVSRO यूट्यूब चैनल पे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसमें ALP के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज के वो सारे करेंगे हम लोग, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो 9:30 बजे तक खाना पीना खा करके कमर कस करके बैठ जाइएगा कॉपी पेन ले करके, ठीक है? उसमें नए क्वेश्चंस भी आपको हम दिखाने वाले हैं कि नए नए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आप कहाँ फंस सकते हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो अगर सिलेबस का बात करें तो हम RRB ALP के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आ चुका है, भरना भी शुरू हो गया है, लेकिन लड़ाई भी इसमें जारी है कि इसका सीट भरवाया जाए। 4-5 मुद्दों पे बात चल रहा है लगातार, सभी टीचर्स भी आपस में बात कर रहे हैं, सभी लोग आपस में लगे हुए हैं कि किसी तरह आप लोग का सीट बढ़े, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं। बार बार हम कहते हैं कि अगर आप लोग नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इस चीज को आप ही समझें कि हाँ सर भी बोल रहे हैं और आप ही के लिए हम हैं। अगर आपके लिए हम नहीं है तो भाई किसके लिए हैं? अगर हम पढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे तो किसको पढ़ाएंगे अगर आप ही नहीं रहोगे तो? अगर सीट ही नहीं आएगी, अगर वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर हम किसको पढ़ाएंगे? तो इसलिए हम भी लगे हुए हैं, इस बात को समझिए। और रात दिन लगे हुए हैं, किसी तरफ बात चल रहा है कि क्या किया जाए इस पे और क्या करना चाहिए। जो भी सीनियर लोग हैं, गुरुजन लोग, बोले कि 2-4 दिन देख लीजिए, RRB बोर्ड ने बुलाया कि बढ़ाया जाएगा, तो 2-4 दिन का आश्वासन दिया गया तो उसको भी देख लेते हैं, बाकी जो करना होगा वो तो करेंगे ही। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि ALP के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर सिलेबस हम देखें तो जो हमारा एग्जाम प्रोसेस होगा, एग्जाम जो होगा वो हमारा ध्यान देंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, फिर सेकंड स्टेज आपका CBT 2 होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिसको साइको बोलते हैं वो होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें चेंज क्या हुआ है गुरुजी, ये तो पहले भी होता था, तो बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT 1 का अगर हम बात करें तो पैटर्न एंड सिलेबस ड्यूरेशन हमारा 60 मिनट का होगा, क्वेश्चन जो होगा 75 होगा। बात समझ में आ रही है? और 1/3 आपका निगेटिव मार्क होगा, ठीक है? तो आप कहेंगे सर चेंज क्या हुआ है, ये तो बताइए, ये तो पहले भी था, आ रहे हैं चेंज क्या हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें आपका मैथ रहेगा सिलेबस में, मेंटल एबिलिटी मतलब की रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा और आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। बात समझ में आ रही है? जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो हम बार बार कहते हैं कि मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करके चलिए, क्योंकि ये दोनों आपका CBT 2 में भी है और यही आपको मेरिट बनाएगी। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग ढंग से पढ़िएगा, अभी भी कर रहे हैं प्रॉपर पढ़िएगा, एक भी चीज छूटे ना, वहां जाने पे अफसोस ना हो कि काश अगर ढंग से पढ़ लिए होते तो हो जाता है, ये अफसोस ना रहे इस एग्जाम को देने के बाद, ठीक है? क्योंकि इस एग्जाम के लिए बहुत दिन इंतजार किए, लोग का छोड़ दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर चेंज क्या हुआ है, तो चेंज अभी आते हैं भाई, ध्यान दो। यहाँ पे अब हमारा आता है सेकेंड स्टेज CBT 2। CBT 2 का अगर हम बात करें तो वही सेम चीज है, CBT 2 में आपका जो पहले था वही 90 मिनट के पार्ट ए में 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट बी में 60 मिनट का समय रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। फिर कहोगे सर चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है यहाँ पे, देखो क्या चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि जो सिलेबस आपका है वो पार्ट ए के लिए मैथमेटिक्स है, उसके बाद रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग है। अब CBT 2 के लिए अगर आप GK GS पे परेशान हो तो इस चीज को छोड़ देना। बात समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस चीज पे फोकस करके चलना। मैथ रीजनिंग तो CBT 1 से ही तैयार करके चलोगे, CBT 2 में आकर के आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग।
क्योंकि इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे रहेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके इसके बाद अगर इसमें अगर आप जीके जीएस में परेशान रहोगे तो फिर उलझ जाओगे, तो इसलिए जीके जीएस पे ध्यान देना नहीं देना है। बाकी यहाँ पे सिलेबस जो पार्ट बी के लिए रहेगा वो तो आपको पता ही है कि 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा और उसमें केवल पास होना अनिवार्य है, तो उसमें तो पास हो ही जाइएगा। तो फोकस कहाँ पे करना है? CBT 1 से अभी से मैथ और रीजनिंग पे प्रॉपर फोकस करके चलिए। बाकी इधर आप साइंस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ही, यहाँ पे साइंस जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे आप साइंस पढ़ेंगे ही, जनरल साइंस, और जनरल साइंस यहाँ से पढ़ेंगे रहेंगे तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो फिर आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चेंज यही हुआ है कि CBT 2 से पूरा का पूरा जीके जीएस और आपका हटा दिया गया है। बात समझ में आ गया? तो इस बात का ख्याल रहे और प्रॉपर तैयारी कीजिए, रात दिन एक करके मेहनत कीजिए, ठीक है ना। 5,000 भी अगर सीट है तो 5,000 लोग तो ज्वाइन करेंगे ना, उस 5,000 में आप क्यों नहीं आ जा रहे हैं? 5,000 लोग भी तो ज्वाइन करेंगे ना, उस 5,000 में आप भी आ सकते हैं। और बाकी हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, आपको नहीं पता लेकिन रात दिन हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आप हैं और सीटें हैं तभी हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर हम यहाँ आके किस पे चिल्लाएंगे, किसको बोलेंगे, किसको डांटेंगे, कोई नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा उठा करके मुंह उठा करके कॉमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले ध्यान देना है। बात समझ में आ गई? बाकी इसका एक और वीडियो हम सिलेबस से लेकर के एक एक चीज का हम पूरा नोटिफिकेशन का आपको बता देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम आपसे आज रात में 9:30 बजे इजी वे SRO यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा पहले तो ALP के जितने भी प्रतिशत के सवाल आए हुए हैं उनको करेंगे ढंग से, और उसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे जिनको करके आपको मजा आएगा, वाकई में कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो रात को 9:30 बजे EGVSRO चैनल पे जरूर जुड़िए। मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।